इन दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे निबंधनात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एसे टाइप टेस्ट, या निबंधनात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके विशेषताएँ और इनके गुण दोष प्रकार के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निबंधनात्मक यानी कि एसे टाइप टेस्ट के बारे में कि आखिर ये होता क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे निबंधनात्मक परीक्षण क्या है, व्हाट इज एसे टाइप टेस्ट। तो जब दोस्तों आप खुद देखिए, निबंधात्मक मतलब निबंध के रूप में किसी बच्चे का परीक्षण करना, एसे टाइप टेस्ट किसी बच्चे का परीक्षण करना कि वो एसे में निबंध के रूप में अपना जवाब दे, तो इसी को कहते हैं। देखिए निबंधनात्मक परीक्षण से अभिप्राय ऐसी परीक्षा से है जिसमें विद्यार्थी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर निबंध के रूप में प्रस्तुत करता है। हम ऐसे आपको प्रश्न देंगे कि आपको निबंध के रूप में आंसर करना है, बड़े बड़े पेजेस में, दो तीन पेज, चार पेज, तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है, इस प्रकार से आपको उत्तर देना है। इसमें विद्यार्थी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है, क्योंकि ना समय की सीमा होती है ना शब्दों की सीमा होती है। शब्दों की सीमा होती है लेकिन इतना पर्याप्त शब्द आपके दिए जाते हैं कि आप उसको निबंध के रूप में लिख सके। तो इसीलिए कहा गया कि निबंधनात्मक परीक्षण क्या है, एक ऐसा परीक्षा जिसमें विद्यार्थी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर निबंध के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसमें विद्यार्थी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है और जिसमें उसके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप प्रतिबिंब होता है। आपने किसी बच्चे को कोई प्रश्न दिया तो उसके व्यक्तित्व क्या है, उन चीज़ों को किस रूप में किस तरीके से लिखता है, वो उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। और इनके माध्यम से व्यक्ति की उपलब्धि के साथ साथ अभिव्यक्तित्व, लेखन क्षमता तथा व्यक्तित्व का भी मूल्यांकन होता है। ऐसे टाइप टेस्ट में, निबंधनात्मक परीक्षण में, हम ये भी देख सकते हैं कि उसकी लेखन क्षमता मतलब राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, उसकी सोच कितनी अच्छी है और वो किस प्रकार से चीज़ों को लिखता है, तो हम इन चीज़ों का भी मूल्यांकन करते हैं निबंधनात्मक परीक्षण यानी कि ऐसे टाइप टेस्ट में। सेम चीज़ को इंग्लिश में लिखा गया है, ऐसे टाइप टेस्ट मीन्स इन विच द स्टूडेंट प्रेजेंट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ एन ऐसे, इन दिस द स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर थाट फ्रीली, इन विच अ क्लियर इंप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज रिफ्लेक्टेड। इसके साथ क्या होता है, थ्रू दिस अलॉन्ग विद द अचीवमेंट ऑफ पर्सन, एक इंसान के अचीवमेंट के अलावा भी उसके एक्सप्रेशन, उसकी राइटिंग एबिलिटी, उसका पर्सनैलिटी आर एवेल्यूएटेड, क्या होता है, उसका मूल्यांकन होता है। तो दोस्तों ये हो गया टोटल निबंधनात्मक परीक्षण के बारे में। अब हम इसकी थोड़ी सी विशेषता देखते हैं कि वास्तव में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं क्या होती हैं। तो बिल्कुल आप अगर समझ गए होंगे तो विशेषताएं स्वयं से भी लिख सकते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे दूसरे शब्दों में लिखा जाएगा कि निबंधनात्मक परीक्षण की विशेषता क्या होती है। तो इसकी विशेषता यह है कि निबंधनात्मक परीक्षण उन विचारों के समाधान करती है जिनके उत्तर देने में उच्च मानसिक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर निबंध लिखना इतना छोटा काम नहीं होता। इसकी विशेषता यह है कि इसका उत्तर देने में उच्च मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है, ठीक है। इनमें विद्यार्थी को स्पष्ट एवं प्रभावशाली विधि से अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। इसमें विशिष्ट अध्ययन विधि विकास होती है, आप चीज़ों को विशिष्ट रूप से स्पेशल तरीके से सोचें। इस परीक्षा द्वारा सूचना प्राप्ति, चिंतन क्षमता, सोचने की बात, अध्ययन दक्षता तथा कार्य करने की आदतों जैसे उद्देश्यों के मापन का मापन सरलता से किया जाता है। मतलब आप इन चीज़ों का मापन अच्छे से कर सकते हैं कि इस बच्चे को कितना सूचना प्राप्त है, ये कैसे चिंतन कर सकता है, कितना अध्ययन किया है और कैसे कार्य करता है, ऐसी आदतों का आप मूल्यांकन कर सकते हैं परीक्षण निबंधनात्मक विधि के द्वारा, ठीक है। अब ये परीक्षा पहचान की अपेक्षा प्रत्यस्मरण तथ्यों एवं उनके संबंधों का अवधूत करने एवं उच्च स्तर पर सोचने की प्रेरणा देती है। वही बात हो गई, यह परीक्षा रचना की दृष्टि से अत्यधिक सरल है। आप रचना करके, बना के, जिसने कहा चीज़ों को बना के लिखना, तो निबंध में आपको बना के लिखना है, तो ये उसकी विशेषता होगी। दोस्तों बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को ख़त्म करेंगे क्योंकि यह पॉइंट ऐसा है ऐसे टाइप टेस्ट निबंधनात्मक परीक्षण कि आप इससे शुरू से जुड़े हुए हैं, आप स्वयं से इसका उत्तर लिखिए। मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि आपको लिखना क्या है, आपको शब्द दे दूं। अब इसमें एक चीज़ और आता है निबंधनात्मक परीक्षण के प्रकार। तो देखिए ये प्रकार जो है ना वो फिक्स नहीं है कि यह किसी किताबी लैंग्वेज में दिया गया है, बिल्कुल नहीं। इसके प्रकार आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं कि निबंधनात्मक परीक्षण के प्रश्नों के प्रकार कैसे होते हैं।
तो वर्णात्मक प्रश्न, जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपने कुंभ मेला का विजिट किया, आप कुंभ मेला घूम के आए, वहां पे देखे गए दृश्य का वर्णन करें, तो आप इसको वर्णात्मक निबंध के रूप में करेंगे, ठीक है। दूसरा मैं आपसे कह दूं कि व्याख्या करिए, गांधी जी ने कहा शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि मानव के संपूर्ण विकास हो, तीनों बौद्धिक मस्तिष्क और शारीरिक तीनों विकास हो, इस कथन की व्याख्या करिए। तो इस व्याख्या को आप कैसे करेंगे, निबंध के रूप में करेंगे। आपसे आलोचनात्मक प्रश्न, जैसे मैं आपसे कह दूं कि भारत की संस्कृति में फास्ट फूड का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, इसकी आलोचना करिए, तो आप इसको निबंध के रूप में। और तुलनात्मक परीक्षण, अगर हम आपसे कह दें कि भारतीय संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति का तुलना करिए, तो इन सारे प्रश्नों को आप कैसे लिखेंगे, निबंध के रूप में लिखेंगे। तो यह एक प्रकार के निबंधनात्मक परीक्षण के प्रकार हो गए, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो गई, थोड़ी सी समझने वाली बात है। अगर आपसे सवाल पूछता है या 8 नंबर में, तो आप इस निबंधनात्मक परीक्षण क्या होता है इसको स्पष्ट करिए, और साथ ही साथ इसकी विशेषता स्पष्ट करिए, और उसके आप इसके प्रकार हेडिंग डाल के आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यही प्रश्न आपसे 15 नंबर में पूछता है, तो निबंधनात्मक परीक्षण क्या होता है, उसकी विशेषता और इन चारों पॉइंट को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये वही चीज़ें हैं जो आप समझते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में निबंधनात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मैं कोशिश करूंगा दोनों को एक साथ खत्म कर दूं, लेकिन अगर चीजें ज्यादा हुई तो एक एक करके वीडियो में बताया जाएगा। इन चीजों को समझिए, देखिए, बहुत जरूरी है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में मुझे बताइए कि निबंधनात्मक परीक्षण में बताई गई मेरी बातें आपको कैसी लगी, चीजें समझ में आई, क्या यह वीडियो देखने के बाद आपको इस पर प्रश्न का जवाब देना आसान सरल हो जाएगा कि नहीं। अगर होता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए, इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए दूसरों के पास, और कहिए दोस्तों से इस चैनल से जुड़े और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में इन दो पॉइंट्स के साथ। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, इस पे एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, सेल्फ स्टडी करिए और चैनल से जुड़ रही। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।